बड़वानी में बिरसा मुंडा जयंती के समापन कार्यक्रम में 27 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सभा स्थल चयन के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी राजपुर पहुंचे, जहां कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा भी उनके साथ थे। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जयंती इस बार धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसको लेकर जिले भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 27 नवंबर को कार्यक्रम का समापन है, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। लेकर आए हैं सर राजपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का 27 नवंबर को राजपुर में जनजातीय गौरव समारोह का प्रोग्राम होना प्रस्तावित है। उनके कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और अन्य व्यवस्था देखने के लिए आज हम सभी लोग माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी सभी के साथ प्रोग्राम पर आए हुए हैं। प्रोग्राम लोग सब देख रहे हैं, सुरक्षा के हिसाब से भी सारे इंतजाम देख करके फंड करेंगे। कितने लोगों के आने की संभावना इस आयोजन में रही? अब ये डिसाइड करेंगे कि कितने लोग आएंगे, क्या होगा, ये डिसाइड होगा। सुमेर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद अब एक नया कानून लव जिहाद को लेकर आया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थायी सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पूरे 3 साल तक बहुत तेजी के साथ मध्य प्रदेश में विकास के लिए काम करेगी और मध्य प्रदेश में जो धर्मांतरण वाला विषय चल रहा है, लव जिहाद वाले विषय को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो समाज है, हमारा समाज की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, अजर और अमर रहना चाहिए। इसलिए हम जनजातीय गौरव दिवस को, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मना रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के इस पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन के अवसर पर हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी राजपुर उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं 27 तारीख। अभी ये एक नया कानून लव जिहाद को लेकर सरकार लाने वाली है, इस विषय पर आपका क्या मत रहेगा? मतलब सरकार इस तैयारी कर रही है, आ जाएगा तब देखेंगे, अभी मैंने उसको देखा नहीं है, देखेंगे बताएंगे आप सब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।